जेंडर इनिक्वालिटी क्या है जब एक बच्चा पैदा होता है वो मेल होता है या फिर फीमेल होता है तो सेक्स जो है वो एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है उस बच्चे के मेल या फिर फीमेल होने की वजह से सोसाइटी उसे मैन या फिर वुमेन या फिर बॉय या गर्ल उस तरह के डेसिग्नेशन देती है यानी कि जेंडर जो है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है और बचपन से हम ये जेंडर रोल्स के बारे में सीखते हैं जेंडर रोल्स यानी कि सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस एक स्पेसिफिक जेंडर से यानी कि मैन किस तरह से बिहेव करने चाहिए किस तरह से ड्रेस करने चाहिए किस तरह के एक्टिविटीज़ उनको करने चाहिए या फिर वुमेन कैसे बिहेव करना चाहिए उनको क्या पहनना चाहिए तो ये सारे जो एक्सपेक्टेशंस है वो जेंडर रोल्स हैं ये जेंडर रोल्स हम सीखते हैं थ्रू सोशलाइजेशन यानी कि जब हम हमारे फैमिली के साथ हमारे कम्युनिटी के साथ मीडिया के साथ टीचर्स के साथ पीयर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनके थ्रू हम ये जेंडर रोल्स सीखते हैं और हम कुछ स्टीरियोटाइप्स भी डेवलप कर लेते हैं स्टेरियोटाइप्स यानी अगर हम एक वर्ड सुनते हैं नर्स तो इमीडिएटली हम एक वुमन एक लेडी को इमेजिन करते हैं अगर हम ये वर्ड सुनते हैं सोल्जर तो इमीडिएटली हम एक मैन को इमेजिन करते हैं तो ये एक स्टीरियोटाइप होता है क्योंकि मेल नर्सस भी हो सकते हैं फीमेल सोल्जर्स भी हो सकते हैं तो इन रोल्स और स्टीरियोटाइप्स की वजह से हमारे दिमाग में कुछ जेंडर प्रिजुडिस हो सकते हैं प्रिजुडिसेस यानी एक प्रिफ्रेंस एक लाइकिंग या फिर एक डिसलाइक टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर जेंडर अब इस जेंडर प्रिजुडिस की वजह से एक बायस हो सकता है या फिर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है हमारे एक्शंस में यानी कि अगर हम एक जेंडर के तरफ पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली अगर हम एक्ट कर रहे हैं तो उसे हम बायस बुला सकते हैं या फिर डिस्क्रिमिनेशन बुला सकते हैं अगर वो एक्शन जो है पॉजिटिव या नेगेटिव वो इंटेंशनल है तो उसे हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं अगर वो सबकॉन्शियस और अन इंटेंशनल है तो वो बायस होता है तो ये जेंडर बायस या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जेंडर इनक्वालिटी होता है अब जेंडर इनक्वालिटी जो है वो एक सोशल फिनमिना है जिसके वजह से हम मेन और वुमेन को इक्वली ट्रीट नहीं करते क्या इंडिया में जेंडर इनक्वालिटी है अगर हम 2011 का सेंसस देखते हैं तो मेल और फीमेल के बीच में जो रेशियो है वो थाउजेंड इज टू नाइन फोर्टी थ्री है यानी मेन और वुमेन के बीच में जो रेशियो है रफली वन इज़ टू वन है यानी कि हर एक फील्ड में मेन और वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो रफली फिफ्टी फ़िफ्टी परसेंट होना चाहिए अगर हम उसी सेंसस में लिटरेसी डेटा देखते हैं तो मेल लिटरेसी रेट जो है वो एटी पॉइंट नाइन परसेंट है और वुमेन के लिए सिक्सटी फोर पॉइंट सिक्स परसेंट है यानी कि ज़्यादा वुमेन जो है वो इलिटरेट है वो शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि जेंडर बायस फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वुमेन को एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है जिस तरह से मेन को मिल रहा है इसकी वजह से वुमेन का लिटरेसी रेट जो है वो मेन के कंपैरिजन में कम है अगर हम पार्लियामेंट में नंबर ऑफ सीट्स को देखते हैं तो जस्ट अराउंड फोर्टीन जो है वो वुमेन है और बाकी सारे मेल है मैन है यानी कि वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट में वो भी काफ़ी कम है यहाँ पे भी 50 50 परसेंट होना चाहिए था लेकिन नहीं है इसी तरह से अगर हम मैनेजेरियल पोजिशन देखते हैं अलग अलग कंपनीज़ में एंड सीनियर या फिर मिडिल मैनेजमेंट पोजिशन भी देखते हैं तो दोनों में वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो जस्ट अराउंड फोर्टीन है और बाकी सारे जो पोजिशंस है वो मैन है यानी कि इंडस्ट्री में भी एम्प्लॉयमेंट में भी वुमेन का इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है हालांकि अगर हम इस रेशियो को देखते हैं तो हर जगह पे वन इज़ टू वन या फिर फिफ्टी फिफ्टी परसेंट होना चाहिए था तो इसका मतलब है कि इंडिया में जेंडर इनक्वालिटी डेफिनेटली है क्योंकि वुमेन आर नॉट गेटिंग द सेम अपॉर्चुनिटीज एज मैन